शरारती। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं। और आज इस खूबसूरत जगह को बाय बाय बोलते हैं और अगली जगह पर चलते हैं, नारायण कागान की तरफ। यहाँ से बस थोड़ा सा ही आगे है और बस यहाँ पे बाय बाय बोलते हैं इस खूबसूरत जगह को। काफ़ी खूबसूरत है यहाँ पर, काफ़ी प्यारी प्यारी हमने यहाँ पर अपनी यादें बनाई हैं। अब पता नहीं लाइफ दोबारा कब मौका देगी, कब हम यहाँ पर आएंगे। बस बच्चे सब अभी तैयार हो गए हैं, निकल रहे हैं यहाँ से। आए सलाम कर दो YouTube फैमिली को। नारायण का गान, नारायण का गान हो गए तैयार। और अम्मी यहाँ पर आप क्या मिस करेंगी? ये सब चीजें मिस करेंगे, सब चीजें इंशाल्लाह दोबारा आएंगे। चाचू आप क्या मिस करोगे यहाँ का? अल्लाह बहुत व्यू अच्छा है, बहुत एंजॉय किया मौसम को। चाय भी अच्छी थी, चाय अच्छी थी, खाना इधर का अच्छा था। हाँ, और होटल भी अच्छा था। हाँ होटल अच्छा मिला ना, बहुत अच्छा मिला। और इसका जो व्यू है बहुत अच्छा। और हम भी जो है ना यहाँ की चाय बहुत ज्यादा याद करेंगे, व्यू याद करेंगे, यहाँ का सब बहुत खूबसूरत। पूरी फैमिली की हो गई, अब लास्ट रह गई तैयबा और माऊ रह गए। कोई नहीं, खूबसूरत यहाँ का व्यू है इतना, बस हम वहाँ पर नहीं जा सके, वो जो बर्फ वाली पहाड़ी है वो नेक्स्ट टाइम अगर इतना बड़ा दिल हुआ तो जाएंगे। जो आज आज जल्दी भागो, मैंने भी नहीं तोड़ा। यहाँ पे मधुमक्खियाँ थी, देखो कितना खूबसूरत फ्लावर है, मेरे ड्रेस से कलर मैच हो रहा है ना। ओके अल्लाह हाफिज भाई, का नाम क्या है? अजहर। चलो ठीक है, आप भी YouTube पे देखिएगा। चले अम्मी, इतना प्यारा लग रहे थे भाई फ्लावर। तो यहाँ की इस खूबसूरत जगह को हम बहुत ज्यादा मिस करेंगे। अब इस शॉप को भी ताला लगा हुआ, यहाँ पे भी नहीं जा सके, बस सोचते ही रह गए। अभी गाड़ी भी हुई है, देखो मुस्तफा का ये बिस्तर लगा हुआ है, सारे ब्लैंकेट रख दिए, यहाँ पे सोएगा, इस साइड पर सामान। नेक्स्ट टाइम भी जब आएंगे तो इसी पर ही हम अपना रूम लेंगे, है ना अम्मी? ये लोग अच्छे हैं। तो दोबारा से जो है ना हमारा सफर शुरू हो गया, बिस्मिल्लाह करके अपना सफर जो है ना शुरू करते हैं। मेरी गोद में आ जाओ, यहाँ पर पापा को तंग नहीं करना, जो ये रास्ता डेंजरस है, यहाँ पर ख्याल से बैठना। जी मुझे बड़ा वाला चॉकलेट चाहिए। वो लेकर आ गया, ठीक है। कितने का ये? 100 का है, दो और दे दे। ये भाईजान का, भाईजान और अम्मी उनको दे। चलो ये लो, बस हैप्पी। जब हम वहाँ से ऊपर आए थे ना, मैं इतना डर डर के दुआएं मांग मांग के दरूद पाक पढ़ पढ़ के आए थे, क्योंकि गाड़ी का फुल जोर लगता है ऊपर आने में। और अगर जीप पे आओ तो कितना, 4500 लेते हैं रेंट, 100 लेते हैं, और वापसी पे 2500 लेते हैं। तो देखो जीप वाले भी ऊपर आने का ज़्यादा लेते हैं, नीचे जाने का नहीं, क्योंकि नीचे जाने पर कहते हैं कि ना गाड़ी का जोर नहीं लगता, गाड़ी खुद ब खुद जाती है। लेकिन फिर भी नीचे वो गहराई में जैसे गाड़ी नीचे जा रही होती ना, वो भी डर लगता है। इनको क्रिसमस ट्री बोलते हैं ना, यही वाले है ना क्रिसमस ट्री। ये हिरन की निशानी है, जैसे ये आप ऊपर पहुंचोगे, आपको ये हिरन दिखे ना तो समझो कि आप शुग्रान पहुंच गए हो। आप बताओ ड्राइविंग आते हुए मुश्किल है या जाते हुए? आते हुए, आते हुए। नजारा तो आपकी साइड का है देखने का, इधर से आ जाओ, इधर नजारा इधर से है। ये वाला जो एक मोड़ है ना, ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। बस हम पहुंच ही गए हैं, थोड़ा सा एक दो रोड है ना, थोड़ा सा डर भी लग रहा है, से ऊंचाई से ना थोड़ा चक्कर आते हैं। यहाँ पे थोड़ा पास जाकर देखती हूँ गाड़ी ना हो रही हो तो। देखो के ना अभी तो सिर्फ एक दो रोड रह गई हैं, एक वो वहाँ से हमने ये यहाँ जाना है तो हम नीचे पहुँच जाएंगे, आगे फिर नारायण कागान का रास्ता हमारा शुरू हो जाएगा। यहाँ पे भी एक सिटी बना हुआ है नीचे, हम तो शुग्रा गए थे, दिख ही नहीं रहा इस साइड पर, पता नहीं कौन सी चोटी थी वो। ये वाले सामने पहाड़ है ना, ये भी थोड़े छोटे लग रहे थे, इनसे जो इनके पीछे बड़े वाले पहाड़ है ना वो दिखते हैं, व्हाइट वाले।
यहाँ का जो नज़ारा है ना वो देखने का था, तो मैंने कहा अपनी YouTube फैमिली को जो ना यहाँ पे रुक के थोड़ा सा दिखा दूँ। बच्चे अंदर ही बैठे हुए हैं, काफ़ी खूबसूरत है। देखो सबके प्यारे प्यारे घर बने हुए हैं। ये वाला घर देखो इतना अच्छा लग रहा है। सबके घर के आगे इतने प्यारे प्यारे गार्डन है ना, एक ड्रीम हाउस है। यहाँ पर ख्वाबों की दुनिया है, जैसे कार्टून में होते हैं घर हरियाली में प्यारे प्यारे, वैसा ही है। और पूरे पहाड़ पे देखो वाइट वाइट छोटे छोटे घर सबके यहाँ दिख रहे हैं। इस साइड पर इतना नहीं है, यहाँ बीच में यहाँ से लेकर ऊपर तक एंड तक, बल्कि वो देखो ऊपर भी जाओ तो यहाँ पे भी छोटे छोटे मकान हैं। तो काफी खूबसूरत व्यू है। चलो ये खूबसूरत व्यू मैंने आपको दिखा लिया, अभी चलते हैं यहाँ से क्योंकि गाड़ियाँ भी आ रही हैं और थोड़ा डर लग रहा है। यहाँ के पत्थर कैसे हैं, इतना वजनी है, लकड़ी की तरह, पत्थर भी लकड़ी की तरह लगते हैं। गाड़ी की हालत क्या हो गई है देखो, माँ ने मुंह कैसे बनाया हुआ है, भूख तो नहीं लग रही इसको। अभी मुर्गी खा के आया है। तो यहाँ से शुगरान की एंट्री होती है, तो अभी हम जा रहे हैं वापस। बाय बाय शुगरान। बाय बाय शुगरान। शुगरान के इलाके को तो हम ऊपर छोड़ा, यहाँ पे हवा देखो कैसी चली हुई। पहले हम वो जो सामने वाला ऊपर रोड है ना, वहाँ पर मैं आपको खड़ी होकर यहाँ का व्यू दिखा रही थी इतना ऊंचाई से। आयत के लिए बनाना लीजिएगा। बनाना चाहिए ने सारे ले लिए, लाल लाल दिख रहे हैं, खट्टे लग रहे हैं। जो काले वाले होते हैं ना वो होते हैं मीठे पत्ते, खरा जो लाल कलर में होते मुझे तो लगता है वो खट्टा होता है, जो काला होता है ना वो टेस्टी होता है। आप चेक करें ये तो यहाँ की सौगात है। वो कल वाले कितने मीठे थे, ये खट्टे है ना, मैं बोल दिया। आलू बुखारा खट्टा है, ये वाले नहीं लो, काले वाले लेने हैं। ये वापस करा के वही आम ले लो, ये खट्टे हैं। हाँ के मजे के होते हैं, ये लग भी रहे हैं मीठे। ये लो आज का बनाना आ गया, कार्टून में इतना बिजी है देख नहीं रही। बस यहाँ के आम जो है ना वो बहुत मीठे लग रहे थे, एक हमने टेस्ट किया तो सारे शॉपर में ऐसे ही कटवा लिए, उठा लेती हूँ बाकी आप पीछे। पानी की वजह से तो बताया नहीं, सरप्राइज ही है। मैंने कहा आगे जाकर चाय पियेंगे, देखो इधर ही सरप्राइज मिलेंगे। मैंने कहा आगे कहीं छांव में जाकर बैठेंगे ना, धूप में गाड़ी रोक। तो ये सिटी कौन सा, ये भी शुगरान है, कौन सा भाई ये? केवाई। तो ये केवाई सिटी है जहाँ पर अभी हम रुके हैं, फ्रूट लिए हैं और यहाँ से अभी हम चाय भी पी के जा रहे हैं। यहाँ पे लाइन से देखो कैसे जीप लगी हुई ना ऊपर लेकर जाने के लिए, थोड़ी देर रोक लेते हैं, चाय गिर रही है सब। अभी यहाँ पर हमारे सब्सक्राइबर मिले थे, गाड़ी रुकवा ली उन्होंने। नहीं का 60 का एक है, 50 लगा लो। आप इधर के ही रहने वाले हैं? हम तो कराची से आए हुए हैं। कराची में जी गर्मी है, हाँ वहाँ तो गर्मी है। वहाँ से थोड़ा गहराई देखते हैं, इतना नीचे गहरा है। ये देखो ऐसे ना एकदम से नीचे देखो ना चक्कर आते हैं, बहुत ज्यादा गहरा है जहाँ पर अभी हम खड़े हैं। आवाज सुनो, आवाज कैसी है, गरम गरम, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना इस कॉर्न की। हमें पकड़ ले, मुझे ख्याल से मुझे गरम है आराम से। अभी हमें दरिया के पास आ गए, दरिया कनार के पास। ये क्या इतना बड़ा बना हुआ है, हाँ चाइना का क्या बना हुआ है, हाँ चाइना लैंग्वेज भी लिखी हुई है, देखो साफ नहीं दिख रहा यहाँ से। यहाँ चाइना के लोग रहते हैं, ये सारा पहाड़ों के बीच में जो पुल बनाते हैं, रोड बनाते हैं, वो चाइना वाले यहाँ पर इतने ज्यादा, उन्होंने पूरा अपना घर बनाया हुआ है। फेरी लैंड होटल भी, हम उस वाले वो नीचे वाले रोड पर जाएंगे। अभी दोबारा एक और पुल आ गया, ये देखो अभी यहाँ से तो स्लो गुजरेगा, पानी दिख। हम ब्रिज से गुजर रहे हैं ना, खूबसूरत व्यू है यहाँ का इस ब्रिज के पास से। पास कुछ यहाँ पर भी है, गार्डन है, कुछ उगाया हुआ है यहाँ पे, टमाटर की पनीरी, हाँ हाँ दरख्त हैं। तो ये जंगल में दरख्त लगाते हैं क्या, हाँ वो जो स्लिपरी वाले हैं, ये वही वाले हैं छोटी छोटी, हाँ पाइन ट्री जिस, हाँ या फिर कुछ लोग ले जाते होंगे। वैसे ये पाइन ट्री बहुत खूबसूरत है अगर अपने घर पे हम लगाएं तो। क्या सीख
हो पीछे? ओ भाई, भाईजान से आप भी सीख गई हो। लोग बनाते ना बैल कैमरा पकड़ा हुआ था, वो कहते ये देखी थी नजारा, देखे खुद नजारा देख रहे हैं, वो बैल रोड की तरफ। दूर दूर से ऐसे लगता है जैसे प्याज की ना वो थैलियां खड़ी हूँ बड़ी बड़ी। चलो बच्चों पहुंच गए, उतरो। माशाल्लाह ये देखो ऐसे लग, ये दरिया कनार का पानी यहाँ पे तो इतना साफ लग रहा है। बहुत ज्यादा थक गए, थोड़ा टांगे भी सीधी कर लेना। हरे भरे जंगल में अभी हमने अपनी गाड़ी खड़ी की है यहाँ। जीप मेरी है, देखो वहाँ पे पानी, देखो वहाँ पानी में चल के बैठे। यस मामी, हम वहाँ पे बैठेंगे, उधर चेयर पे आ जाओ। मम्मी चाचू ख्याल कीजिएगा, सारा नीचे पानी है। कोई जितना अपनी मर्जी से बैठना चाहे, आगे जाओ तो आगे थोड़ा ज्यादा पानी है। ये देखो ये भी यहाँ पे ज्यादा पानी है, यहाँ चारपाई पे हम यहाँ पे बैठ रहे हैं। और जूते अगर उतारो ना तो मुझे लगता है ये भी बह जाएंगे। गया गया गया, मैं जूते उतार के रखो तो आगे बह जाते हैं। है कन्हार, दरिया कन्हार नहीं है। क्या है ये? वो है, ये तो एक चश्मा है। चश्मा है, ये पी भी सकते हैं, साफ पानी है। बहुत साफ पानी है, वो देखो ना वो सामने से आ रहा है। इतना ठंडा बर्फ जैसा पानी है ना, फुल जैसे इसमें बर्फ डाली हुई है। पानी के अंदर डालें एक बारी। यहाँ पे मम्मा आई भी रील बनाने। मम्मा बना ली रील, तेज है मम्मा। ये पानी क्या देखो भाई, वाओ ये देखो यहाँ पे पत्थर। संदेश आया है जल्दी करो, आगे बहुत ज्यादा सफर है। गिरना वाओ, बस हम चलते ऑफ रोडिंग करके। यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग हुई है ना अम्मी, ऐसे बिल्कुल सीनरी जैसा बना हुआ है घर। ये बहुत ज्यादा खूबसूरत जगह पर बनाए हुए हैं। शायद अम्मी जैसे खूबसूरत जगह होती है तो वहाँ पर घर महंगे होते हैं, इनका भी शायद ऐसा ही होगा। ये सच में सबसे ज्यादा खूबसूरत जगह पर, और सामने देखो दरिया और सामने घर। तो बीच में थोड़ा सा ये कच्चा रास्ता आ गया, टूटा फूटा रोड है बीच में। हाँ अभी बोलो। हाँ बच्चों की छुट्टियाँ, इस वजह से अर्पित घूमने फिरने आया हुआ है। ये देखो इतना ऊंचाई से आ रहा है चश्मा, ये देखो पानी का। पता नहीं कुछ है यहाँ पे, ऐसे बाउंड्री दी हुई है, गेट लगा हुआ है। ये सामने वाला रिजर्व देखो कितना खूबसूरत है, इतना प्यारा इसका गार्डन है। सामने अम्मी ये इनका गांव है ना, वहाँ सब्जी लगाई हुई है इन्होंने, कुछ चुन रहे अम्मी धनिया, पता नहीं क्या लगा हुआ है ना। लो खूबसूरत नज़ारे रास्ते में, आप देखते जाओ कि कितना हसीन है, दिल नहीं भरता, मतलब जो नज़ारा देखो उससे और खूबसूरत लगता है। अभी 6:30 का टाइम हो रहा है, अभी भी 20 किलोमीटर रहता है, 10 मिनट लगेंगे और हम पहुँच जाएंगे। बस रास्ते में बार बार रुक रहे हैं और थोड़ा बहुत अभी खाना लिया, सबको भूख लग रही थी। इसके अलावा मुस्तफ़ा को ठंड लग रही थी, मुस्तफ़ा की जैकेट नहीं थी, छोटी थी उसकी, तो हम कल भी हमने वहाँ से शुग्रान से देखा, कहीं पे भी नहीं मिली, तो अभी रास्ते से जैकेट भी ले ली क्योंकि आगे बता रहे हैं कि इससे ज़्यादा ठंड होगी, तो मैंने कहा वहाँ पे फिर परेशानी ना हो तो रास्ते से मुस्तफ़ा की जैकेट। खुशबू चपली कबाब कितनी प्यारी आ रही थी, गरम गरम नान साथ में लिए।
बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही है ब्रिज और साथ में फिर ये वाली चेयर लिफ्ट तो दिख ही नहीं रही है, देखो इतनी छोटी सी है। यहाँ के लोगों के लिए आने जाने का ना रास्ता बनाया होगा। आगे दरिया है, दरिया पार करके जाएंगे। देखो गाड़ियाँ कैसे आ रही है, ये देखो यहाँ से क्रॉस करके जाना पड़ेगा। हाँ ये देखा है माशा, यहाँ पे सब चाय पार्टी चल रही है। देखो गाड़ी के टायर भी धुल गए। अच्छा हाँ ये देखो, ये अलग ही डिजाइन है इनका। मजे की ठंडी ठंडी हवा। ये अम्मी यहाँ से देखे पानी में, कौन सा डैम है क्या यहाँ पे बीच में, तो वो रिजॉर्ट है। हाँ डैम तो बड़ा होगा। और देखो फुल नीचे जा रहे हैं हम, देखो ये गई गाड़ी। और झील एक दरिया आ गया, चश्मे से भी गुजर के जाना है। पानी देखो कैसे आ रहा है, ये वाला अंदर है जो है असली रौनक यहाँ की, भेड़ बकरियाँ गाड़ियों को नहीं गुजरने दे रहे ना इतनी ज्यादा है माशाल्लाह से। है नारान कागान की बकरियाँ, देखो इतनी ज्यादा हो गई गाड़ियों को भी रोक दिया। इन बकरियों में सब गांव वालों का हिस्सा है, तो मतलब ये नारान कागान के गांव की बकरियाँ। बेबी गोट, ये रहा छोटा बेबी गोट, ये देख। अब हमारी गाड़ी फिर से इस चश्मे के बीच में से जाएगी। कौन इतना तेजी से जा रहा है, आराम आराम से चलिएगा। ये वाला होटल कितना खूबसूरत है। हाँ रह जाए इधर, हम ही रहेंगे, चले आगे। इससे आगे और भी सारा ऐसे सिटी दिख रहा है, वहाँ पर लाइटिंग ज्यादा है, वो वहाँ चलते हैं। हर जगह पर जहाँ पर भी जाओ ना, हर थोड़ी देर बाद चश्मा आ जाएगा। ये देखो फाइनली हम नारायण सिटी पहुँच चुके हैं। हमने बहुत रास्ते देखे हैं, ट्रैवल किया, लेकिन सबसे हसीन रास्ता, सबसे प्यारा रास्ता यही है। जा मैनो दूर किथे जिथे पानिया दे रंग ने नीले, जिथे पत्थर ते आ चला वजदिया ने। फूड फैमिली देखो इतने खूबसूरत यहाँ पर ये होटल बने हुए। आगे देख यहाँ पर लाइटिंग से भरे हुए ये झूले भी हैं यहाँ पे, ये देखो। अच्छा ये वाला इसके ऊपर सिटी पर लेमन है। इतना देर सफर करने के बाद, ढूंढने के बाद ये हमें रूम मिला है, तो आप बैठो इधर बैठो। अम्मी और चाचू को इधर रूम मिला है बिल्कुल नेट के पास। तो नारान बहुत बड़ा एक सिटी है, मतलब इसको कल अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। बहुत खूबसूरत है यहाँ पर, कश्मीरी ज्वेलरी, कश्मीरी कपड़े, मतलब बहुत कुछ है। लेकिन अभी मैं थक गई हूँ, तो कल सारी बातें करेंगे, अभी रेस्ट करती हूँ। पता नहीं व्लॉग का एडिट होगा, ये भी अम्मी ने जबरदस्ती कैप पहनाई है मुझे ठंड की वजह से, कि ठंड मजीद लग जाएगी सर को, तो एक तो सर का दर्द नहीं जा रहा। तो खैर सफर बस मुझे थका देता है, वरना बच्चों को संभालना, व्लॉगिंग करना, ये सब कुछ और इंजॉय करना, ये सारा एक से वो नहीं थकाता, बस सफर थका देता है, तो उसकी वजह से थोड़ी थकावट होती है, जाहिर सी बात है। तो मुझे एडिटिंग भी करनी होती है। तो बस इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, बहुत अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।